गौहर जब पिछली बार आई थी तो ये स्विट्जरलैंड में शूटिंग करके आई थी, इस बार ये आई झारखंड में गर्मी में शूट करके। जब आप फिल्म की स्क्रिप्ट सुनती हैं जी, आप अपने रोल की वेरिएशन देखती हैं कि वेदर की हिसाब से? आप ऑब्वियसली रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर एक एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जितने लोग भी सपने देखते हैं, मैं आज बिकॉज आपका शो इतना ज्यादा पॉपुलर है, सारी दुनिया ये शो देखती है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं इफ यू जस्ट बिलीव। क्योंकि मेरा ये फिल्म में बेगम जान करने के लिए मैं इतनी ज्यादा लकी फील करती हूँ अपने आप में कि मेरा सपना पूरा हुआ है, क्योंकि मुझे विद्या बालन जी के साथ काम करने का मौका मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने बिलीव किया और सुजीत सर ने बिलीव किया कि मैं ये रोल कर सकती हूँ, और मुझे खास इनसे एक मैसेज आया था कि गौहर हम चाहेंगे कि आप ये रोल करें, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। गौहर, रिद्धिमा आप पहले बैंकर थी, तो आपने क्या फिल्म स्टार्स के अकाउंट चेक कर लिए थे, आपको लगा कि बड़ा पैसा कमाते, तो आप इसलिए इंडस्ट्री में? बैंकर गलती से बन गई मैं। अच्छा, तो बेसिकली आप कहाँ से रिद्धिमा? मेरी मॉम ग्वालियर से हैं, शी सिटिंग हियर, शी इज राइट हियर। अरे हाउ आर यू मैम, गुड, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ग्वालियर बड़े खूबसूरत शहर से। माय पापा इज फ्रॉम इटावा। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की, साइंस पढ़ा, उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स बहुत वीक थी, फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। नहीं तो आपने जब एक्टर बनना था इतना खर्चा क्यों कराया माँ बाप का, है ना? क्यों पढ़ा आपने इंग्लिश लिटरेचर? मेरी मम्मी चाहती थी मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊँ, तो डॉक्टर नहीं बनी तो एक्टर बन गई। अच्छा, पहले मुझे लगता था कि मिस इंडिया जब कोई बनता है तो वो इंडिया में ही बनता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में मिस इंडिया कैसे बनी पल्लवी? हाउ आई मीन, हम लोग इतने मतलब मिस करते हैं इंडिया को। आई थिंक एवरीवन दैट ग्रोज अप आउटसाइड इंडिया हैज दिस फीलिंग कि मैं इंडिया जाऊं, मैं इंडियन बनूं, और मुझे बचपन से ये हमेशा था कि मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी इंडिया में, क्योंकि मुझे हिंदी फिल्में पसंद थी, मुझे हिंदी आती थी। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मैं पैदा हुई हूँ ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी हुई हूँ, पर वहाँ पर मैंने अपना भाषा, डांस, कल्चर सब सीखा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऑस्ट्रेलिया ने मुझे ये दिया है, और ये मौका मुझे मिला है बेगम जान में टू प्ले अ कैरेक्टर दैट्स फ्रॉम होशियारपुर। मैंने बनाया है कि बैक स्टोरी होशियारपुर, होशियारपुर वॉज द गांव ऑफ माई दादी। अच्छा। और मेरी दादी माँ होशियारपुर, पंजाब से काफी लोग निकल रहे हैं। फॉर मी एज अ गर्ल हु वॉच्ड फिल्म्स इन ऑस्ट्रेलिया एज अ 3-year-old, लाइक इट्स अनबिलीवेबल टू बी हियर, सो थैंक यू। अच्छा फ्लोरा, रविजा, आप दोनों पहले से फिल्में करती हैं आप, कि आप भी, आपकी भी फर्स्ट फिल्म है? मेरी फर्स्ट फिल्म है, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी इम्तियाज अली के साथ, जिसका कॉन्सेप्ट भी प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड था, तो अच्छा। उसका कुछ मुझे हेल्प मिला इसमें यूटिलाइज करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट, एंड उस टाइम कैसा था और अब कैसा है वो लाइफ, और लोग कैसे देखते हैं उन्हें। सो आई एम लकी इनफ टू से कि मैंने ऐसे रोल्स किए हैं और ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें यू नो आई हैव गॉट टू रियली अंडरस्टैंड पीपल बेटर। कौन आ गया? विद्या, लाल चुन्नी माता की, ये फिर आ गया। यस, फिर आ गए। मैं इसलिए आया हूँ, मेरा आने का पर्पस ये है, क्या मुझे याद आ गया क्या आपके आने का? आने का पर्पस वजह पर्पस मुझे याद आया था कि अपन ने पिक्चर किया है विद्या, और लगे रहो मुन्ना भाई। He doesn't so much like that. उसी में का एक गाना है, पल पल बल बल हर बल हर बल, कैसे बढ़ेगा बल 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 बल, उसके ऊपर मेरे को थोड़ा ए म्यूजिक दर। थैंक यू सो मच, आई लव माई कंट्री एंड आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्या? यू आर ऑसम, यू आर सो गुड। एक और बार एक मैं इतना अभी प्रोपोज किया है, मैं प्रोपोज तो मैं आई वांट टू से द 3 words, मील नितिन न्यूटे। थैंक यू। मैं तो गाने वाली थी आपके लिए, नायक नहीं खलनायक थी तू। ये पेशेंट से डॉक्टर है वैसे। टू गुड है यार, इट्स अमेजिंग। सुपर। और पता है मेरे सबसे फेवरेट को स्टार
संजय दत्त है, तो मैं बहुत खुश हो गई यार उनसे मिलके, अरसा हो गया। एंड इफ संजू यू आर वॉचिंग दिस, सबसे आप वापस गुलाब लेके आप ही जा रहे हैं? अरे जाओ, आपके लिए लाया था, मैं भूल गया। दिस इज योर्स। थैंक यू। दिस इज आल्सो योर्स। थैंक यू। हाँ, बहुत बाबा बाबा का आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। थैंक यू, बाय। फ्लोरा, नाम आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। मैं पंजाबी हूँ। अच्छा, आप भी पंजाब से हैं? दिल से पंजाबी हूँ। अच्छा। बट मेरा जो नाम है, क्योंकि जब मेरी मामा मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो एक, उस टाइम टीवी नहीं होता था, रेडियो होता था, तो वो एक रेडियो पे प्ले सुन रहे थे फॉर क्रिश्चियन फैमिली ऑफ थ्री, फादर मदर डॉटर, डॉटर्स नेम इज फ्लोरा। उनको नाम इतना पसंद आया कि वो डिसाइडेड था कि मेरी बच्ची हुई तो उसका नाम फ्लोरा रखा जाएगा। ये हमारी यूनिट की माधुरी दीक्षित है। अच्छा, देख लीजिए। तो आप अच्छा डांस करती हैं। क्या बोलूं माधुरी जी, कोई डायलॉग बताओ आप। मुझे एक ही आता है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है माधुरी जी। एक चुटकी सिंदूर नहीं, वो तो नहीं, 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 ये आपने किसका डायलॉग बोल दिया आपने? शी इज माय फियांसी। अरे माधुरी दीपिका, मैंने कुछ बताया नहीं एक्चुअली ऑन कैमरा, पर बता देता हूँ। अच्छा, बोलने में क्या जाता है। पूनम, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप बड़ी प्यारी लग रही वैसे। थैंक यू सो मच। मैं भी यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है कुछ जो आपके, आप भी हिमाचल से हैं। तो पूनम जी, से समथिंग नाइस अबाउट मी। आई लव यू। सो स्वीट, थैंक यू डार्लिंग, आई लव यू टू। पूनम, आप भी पहले पहले टीवी किया आपने? मैंने टीवी थोड़ा बहुत किया है, मतलब एग्जैक्टली मैंने टीवी नहीं किया है। तो आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म है? हाँ, ये मेरी पहली फिल्म। मजा आया करके? बहुत मजा आया। Oh God! Oh wow! ये देखिए, हेलो। ये क्या वो कर रही है? अरे इतने सारे आए हुए हैं, एक हेलो से हो जाएगा क्या? कपूर शर्मा, आपके लिए मैं एक एम्बुलेंस बुलवा दूँ? क्यों? नहीं मतलब इतनी सारी ओरिजिनल लड़कियों को देख के आपको तो हार्ट अटैक आ गया होगा। एक बार मैं पहले अपना तारुफ करा देती हूँ। मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। तुझे अपने ही दम पर रहना पड़ेगा, किसी के दम पर रहेगी उसका दम नहीं निकाल देगी। वैसे मेरे को मानना पड़ेगा, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। जरूर आपने 16 शनिवार रविवार के व्रत रखे होंगे, तब जाके इतनी खूबसूरत लड़कियां आपके घर में आई हैं। 16 सोमवार के होते बम्पर? नहीं, वो तो जिंदगी में लाने के लिए होते हैं, लेकिन शो में लाने के लिए शनिवार रविवार चलेगा। खैर विद्या जी, लेकिन एक चीज है, आपने ना मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, क्यों? आपने अपनी ये जो फिल्म आ रही है ना, उसमें आपने मेरा स्वैग कॉपी किया है। और आपके लंबे बाल भी। हाँ, लंबे बाल तो कॉपी किए हैं। और आपके फिल्म का पोस्टर देखा मैंने, वहाँ पे आपकी भौहें जुड़ी हुई है ना। क्या जुड़ी है? भौहें, भौहें। आपको दो टिकटें दूंगी मैं फिल्म के। तो इनको दो ही लगती हैं? एक टिकट पे आती नहीं है, ये सीट के बीच में जो होता है ना, वो निकालना पड़ता है आर्मरेस्ट। वैसे इला अरुण जी, मैं ना आपके गाने हमेशा सुनती आई हूँ। रेशम का रूमाल गले में डाल, आजा दरवाजे पे खड़ी हूँ। मैं खाली जानना चाहती हूँ, दरवाजे पे क्यों खड़ी है? क्योंकि कोई आता नहीं है। नहीं नहीं, इतना वेट नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बहुत साल पहले भी गाना सुना था, तभी भी आप दरवाजे पे खड़ी थी। अभी 3 दिन पहले सुना, तभी भी आप दरवाजे पे ही खड़ी थी। दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा, वो आके खड़ा है बाहर रेशम का रूमाल। बचपन से ना इस गाने के ऊपर रेशम का रूमाल मैं अपने गले पे बांध के क्या डांस किया करती। झूठ बोलती है इला जी, गला तो है नहीं, कहाँ है? साथ में कैरी किया करो। साथ में कैरी में रेशम का रुमाल लेके अभी भी घूम रही हूँ, देखिए। ये गला, गला, गला। अपने गले पे इस तरह बांधती थी। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन ओ पल्लवी शारदा, शारदा, शारदा जी, मैं एक्चुअली एक और लड़के को जानती हूँ, इज नेम इज कीकू शारदा। वाह, मैं बता रही हूँ क्या कमाल का लड़का है ना वो। फिलहाल तो वो लड़की है ना। वो क्या है, उसका एक प्रोड्यूसर है, लालची प्रोड्यूसर। उसकी वजह से ना मजबूरी में उसे कभी कभी लड़की बनना पड़ता है। छोड़ क्यों नहीं देती उस प्रोड्यूसर को? क्योंकि लड़का भी थोड़ा सा लालची है।
बब्बर तो क्यों फालतू में तंग करती है, हमारे मेहमान आए क्यों ऐसे? तो मैं खाली बताना चाह रही थी कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी आज बहुत सैड है. क्या है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और आपको तो पता है कि उनकी पत्नी ना एक जमाने पहले ही उन्हें छोड़ के जा चुकी है. अब अकेले वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाए? तो बड़ा अकेला अकेला महंजूंस कर रहे हैं वो. तो मैं बस चाहती हूँ कि उनको यहाँ बुला लेती हूँ. आप उनको थोड़ा चीयर अप कर देंगी? ठीक है. हाँ प्लीज डॉक्टर साहब. डरना नहीं है, आपके लिए कर. रबा दिल ही टूट गया, हम जे क्या क्या करे जब दिल ही टूट गया. जब मरीज हो डॉक्टर तो इलाज कौन करे. आपके इलाज के लिए आई हैं. एक काम, इतने सारे लोग ये तीन चार प्रोग्राम कटे आ रहे हैं क्या सुनने के लिए? डॉक्टर साहब आइए बैठिए, इधर बैठकर बात करिए. आइए आइए आइए. क्या गाना गाया आपने, आपको पता है? दिल ही टूट गया. आपने जैसा गाया ना लोग आपका मुंह तोड़ के जाएंगे. पता मेरा मुंह सिग्नल है जो लोग तोड़ के जाएंगे. एक मिनट रुको यार, एक मिनट. 9876543 2 1 हैप्पी न्यू ईयर. कौन सा मार्च में आपका हैप्पी न्यू ईयर आता है? जिसकी एनिवर्सरी पे उसकी बीवी ना हो साथ तो उसके हाथों है हैप्पी न्यू ईयर ना सिद्धू साहब. हाँ जी, मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 29 नहीं 30 नहीं 31 कितने नहीं 32 सालों से नहीं 33 सालों से. ठीक है ठीक है, वो समझ गए. 34 सालों से मैं अकेले. 32 नहीं 32 सालों से होता है अकेले हनीमून में. आपके मुंह में स्पेलिंग फंसे हुए, लाओ झाड़ दूं. 32 सालों से कर रहा नहीं 37. मैं काम करती हूँ, आपने लगता है थोड़ी ज्यादा पी ली है. मैं आपके उतारने के लिए बाप की पिया. हम कमाता है पीता है, 80 रुपए का पौआ पीता है. ये ना मेरा एनिवर्सरी है, मैं क्यों नहीं पिएगा. एक काम करती हूँ, आपने बहुत ज्यादा पिए, मैं आपके उतारने के लिए सीढ़ी लेके आती हूँ. सीढ़ी क्यों भाई? नहीं सीढ़ी से चढ़ाया जा सकता है तो उतारा भी तो जा सकता है. सेम थिंग. सिर्फ तो ये जिंदगी में तो मेरा भाई है यार. तू नहीं होती तो मेरा क्या होता बम्पू? हाँ मैं समझ रही हूँ. अच्छा वो मैं तेरे को सैलरी नहीं देता वरना तू कब की नौकरी छोड़ के चली जाती. अच्छा फिर जब तू सीढ़ी लेके आएगी ना तो उसमें डिकचिक डिकचिक अच्छे गाने हो वो लेके आना. ठीक है क्या ला? ला रही हूँ मैं, ला रही अभी लाती हूँ. विद्या जी नमस्ते. इला जी आपको पता मेरे साथ बहुत अजीब हो गया. मेरी शादी हुई और मेरी बीवी भाग गई. आजकल मैं बिल्कुल सिंगल हूँ गौहर. अगर आपके पास नहीं है कोई शोहर तो हम लोग कुछ कर सकते हैं. सिद्ध साहब मैं बहुत उदास है बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्क बनते हैं वो मैं पूरे करूँगा. फर्क नहीं फर्ज. एनीवे तो मैं एज ए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करना चाहूँगा. टेस्ट? यस. आप ग्रुप में बैठे हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू डू योर ब्लड टेस्ट. सब लोग बोलिए ब्लड. ब्लड कट्ठे ब्लड ब्लड
जोर से बोलो ब्लड, प्यार से बोलो ब्लड, आवाज नहीं आई ब्लड, प्यार से बोलो ब्लड, आवाज नहीं आई ब्लड, वेरी नाइस। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत पॉजिटिव। देखिए सिद्धु साहब, मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई, ऐसे टेस्ट हो जाते हैं आजकल, पता ही नहीं चलता। एनीवे, अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करना चाहूँगा एक सेकंड में आपसे। मेरी वाइफ, मेरे को ना, तेरे को ज़्यादा दुख रहा है। मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है। मेरे दोस्त सिद्धु साहब मेरे से पूछते हैं कि कब आएगी तुम्हारी वाइफ, मेरे को नहीं पता। ठीक है, आप रोइए। डॉक्टर साहब आप रोइएगा नहीं, आपकी बीवी चली गई, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। नहीं कोई बात नहीं, हाँ रोने की क्या, थोड़ा दुपट्टा खा लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, बेचारे दुखी हैं, हम आपको तैयार करते हैं ताकि आपके लिए हम अच्छी सी एक डेट सेट करें। ठीक है, ठीक है, गौर ने कहा नहीं डेट, आप इधर बैठिए बीच में बिल्कुल, और हम आपको तैयार करते हैं, खुश हो जाइए लड़कियों के बीच में बैठ के। लाइए लाइए वो सामान, कहाँ पर है तैयार करने का? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, एक सेल्फी ले लेते हैं सारे। इधर इधर आप डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाहर हो जाइए सेल्फी से सब लोग। अच्छा अपना अपना चेहरा ढूंढ लो कहाँ पे है, मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं सबसे लंबा कौन है। गौहर यू टेक सेल्फी, सेल्फी फ्रॉम गौहर खान। वो कौन है? Thank you, Gohar. Thank you, Gohar. Thank you so much. आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा भी कुछ एज ए डॉक्टर कुछ फर्ज बनते ला है। क्या? मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहेगा। मेरे हॉस्पिटल में मेरे हॉस्पिटल में तुम्हारा ही तो काम है। लीला जी, जिसकी बीवी सिंगर उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी सिंगर, जिसकी बीवी सिंगर, अरे गाना उससे गवा लो, अनु मलिक का क्या काम है तुम्हारा क्या, ओ मेरे हॉस्पिटल में तुम्हारा ही तो काम है। ओ जो है लड़की लंबी उससे तो बहुत काम है, जो है लड़की, जो है लड़की लंबी लंबी टॉल टॉल, लंबी लंबी टॉल टॉल, जो है लड़की लंबी उसके से हमको काम है। डांस शुरू करा दो, डांस शुरू करा दो भाई, बोल क्या क्या काम है भाई, मेरे हॉस्पिटल में तुम्हारा तो काम है भाई। जो है लड़की हॉटी, ओ जो है लड़की हॉटी, हॉटी हॉटी नॉटी नॉटी, हॉटी नॉटी नॉटी हॉटी, जो है लड़की हॉटी उससे तो हमको काम है। ड्राइंग रूम में चला लो, ड्राइंग रूम में चला लो, टीवी का क्या काम है, रे, रे, भाई कपिल शर्मा, वेरी गुड, देखो गर्ल्स,
मैंने आप लोगों के लिए सॉन्ग मंगा लिया, मेरे को डेट पे भेज दो प्लीज, मेरे को डेट मांगता है। मेरी डेट कहाँ है? बम्पर बोनांजा है। बम्पर बोनांजा है। बम्पर हो गया, हो गया, हो गया, इंतजाम हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपके लिए डेट का इंतजाम हो गया है। अच्छा ये रही आपकी डेट, ये रही डेट। खजूर को इंग्लिश में डेट कहते हैं। कैसा लगा हमारा मजाक? आपकी डेट। ये रख लीजिए, आपकी डेट में लेकर आई हूँ। वैसे हैंड ये लीजिए, अब आपकी डेट आपके हाथ में। डॉक्टर मिश्र गुलाटी बल छोटलाल गुलाटी की भरी सभा में बेइज्जती। एक केक मैं नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ये केक। नहीं आपके लिए, ये डॉक्टर साहब केक आपके लिए है। नहीं, डॉक्टर साहब